नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जो ESP का जो कैलेंडर डला है और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी जो एग्ज़ाम डली है अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन महीने में जो आपकी एग्ज़ाम डली है वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी उस पर बात करेंगे। और आपकी ग्रुप 4 ITI TO, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और सब इंजीनियर, यह सारी तमाम प्रकार की एग्ज़ाम आपके किस महीने तक होगी वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि MPESB का कल यानी ANM सिलेक्शन टेस्टिंग का आपको यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ चुका है सिलेक्शन टेस्ट का ANM का, तो उसका आपने देखा होगा। तो उसका आपका भी नोटिफिकेशन आया जुलाई में और उसकी अगस्त में उसकी परीक्षा रखी गई है। जबकि वो कैलेंडर आप उठा के देखोगे तो ANM आपका जुलाई में परीक्षा प्रस्तावित डला हुआ था, तो जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आया तो इसकी परीक्षा अगस्त में हो रही है। इसके अकॉर्डिंग मान के चले तो आपकी लगातार अभी कम से कम 3 एग्ज़ाम जुलाई में है, फिर उसके बाद 3 एग्ज़ाम आपकी अगस्त में, 3 एग्ज़ाम आपकी सेप्टेम्बर में, ऐसा करके आप मान के चले तो एक महीने में 3 एग्ज़ाम। अभी तो एक एग्ज़ाम का ही नोटिफिकेशन आया है, फिर उसके बाद तो अभी तो आपका ANM का नोटिफिकेशन आया है जिसकी एग्ज़ाम अगस्त में रखी गई है, फिर उसके बाद आपके दूसरे अभी एंट्रेंस टेस्ट भी बाकी एक आधी, फिर उसके बाद सबसे पहले आपके सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन आना है, उसके बाद आपका वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आना है, फिर ऐसे आपका फिर ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का आएगा, फिर ग्रुप 4 का आएगा, फिर ITI TO का आएगा। तो आप जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो जिस मंथ में आपकी एग्ज़ाम डली हुई है उससे आप एक महीना ज़्यादा ही आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक से डेढ़ महीना ज़्यादा ही लेके चले, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। क्योंकि आपकी जो ग्रुप 4 की एग्ज़ाम हो, ITI TO की एग्ज़ाम हो, वो लगभग आप मान के चलो तो आपकी अक्टूबर या नवंबर तक ही आपकी होगी एग्ज़ाम। अपनी आपकी देखोगे तो उसमें सितंबर का डला हुआ है, बट आपकी एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर तक ही होगी, वो भी एंड में अक्टूबर नवंबर या फिर दिवाली बाद भी जा सकती है ग्रुप 4 और ITI TO का, मैं बता रहा हूँ आपको। उससे पहले आपकी अभी ये जो एग्ज़ाम है वर्ग 2 हो जाएगी, हो सकता है आपकी सब इंजीनियर का यदि वो हो जाता है प्रस्ताव क्लियर हो जाता है तो भी सब इंजीनियर भी हो सकती है। सबसे पहले प्रायोरिटी अभी यहाँ पर वर्ग 2 की रह रही है, क्योंकि जिस प्रकार आप देख रहे हो कि शिक्षा का जो परसेंटेज है, जो अपना रिजल्ट का जो परसेंटेज वो कितना गिरा है आपका 10th 12th के एग्ज़ाम में, 5th 8th में एग्ज़ाम में कितना परसेंटेज गिर चुका है, और आपके शिक्षकों के जो तमाम प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं वो भी आप देखते होंगे कि क्या हालत है आपके ग्रामीण स्तर पर शिक्षकों की, कि कोई आ रहा है, कोई सो रहा है, कोई शराब पी के आ रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो वो इस तरह की हालत है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग की जो भर्ती है वर्ग 2 वर्ग 3 इनकी निकलने की पूरी 101% चांसेस है कि इनका नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। सब इंजीनियर का भी आएगा, ग्रुप 4 का भी आएगा, ITI TO का भी आएगा, बट लगभग आप मान के चले कि ये अपने जो डली हुई कैलेंडर उससे एक से डेढ़ महीने बाद ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से आप अपनी अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट करके रखिए ताकि आपके नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन के बाद भी आपको लगभग एक से डेढ़ महीने का समय मिलेगा जिसमें आप बहुत अच्छे से अपना परफॉर्म कर सकते हो। तो यही आपको बताना था, होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।